ونصلي على رسوله الكريم. करीम अम्माबाद आज का सबक सुन लीजिए आज के सबक की सुर्खी है नमाज से दोस्ती कर लीजिए पार्ट नंबर पंद्रह हजरतब हुरेरा रजी अल्लाह तुश रिवायत है कि हजरत मोहम्मद वसल्लम ने इरशाद फरमाया पांचों नमाजें देखो ये नमाज का तस्करा आ रहा है पांचों नमाजें जुमा की नमाज पिछले जुमा तक और रमजान के रोजे पिछले रमजान तक दरमियानी अवकात के तमाम गुनाहों के लिए कफवारा हैं जबकि इन अमाल को करने वाला कबीरा गुनाहों से बचे यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है हजरत अब हरेरा रदी अल्लाह तला से रिवायत है यह हदीस दूसरी है हजरत अब हरेरा रदी अल्लाह तु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद ने इशाद फरमाया जो शख्स इन पांच फरज नमाजों को पाबंदी से पढ़ता है इन पांच फर्ज नमाजों को पाबंदी से पढ़ता है वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता इबन में यह हदीज़ है जब नमाज की कितनी फजीलत है इसलिए नमाज 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 का एहतमान कीजिए अब पढ़ लीजिए मेरे साथ सुबहान अल्लाह ला इन जुमले की जबरदस्त फजीलत है हजरत महमान इब्न बशीर रिवायत है कि अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया जिन चीजों से तुम अल्लाह तला की बड़ाई बयान करते हो इनमें पढ़ो मेरे साथ सुबह ला इला अल्हम्दुलिल्लाह हैं ये कलिमात आर्स के चारों तरफ घूमते हैं उनकी आवाज़ शहद की मच्छियों की भुनभुनाट की तरह होती है इस तरह ये कलिमात अपने पढ़ने वाले का अल्लाह ताला की बारगाह में तस्करा करते हैं क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारा हमेशा तस्करा होता रहे इबन माजा में यह दीज है मैंने ये पढ़ा अब मेरा तस्करा अल्लाह के दरबार में हो रहा है आप पढ़ोगे आपका तस्करा भी होगा मैं इसका एमेजेस बनाकर आपके लिए भेज दूंगा ताकि आपके लिए सहूलत रहे बहुत दिन हो गए इसका इमेजेस के इसका मैं इमेजेस बना के भेजूंगा एक मर्तबा और पढ़ लो सुबह अल्लाह लाइला अलहमदुल्ला देखो ये ऐसे है हैं पढ़ने से इन कलेमात के पढ़ने से अल्लाह की बारगाह में पढ़ने वाले का पढ़ने वाली का तस्करा होता रहता है अब मैं बना के भेजूंगा संभाल के रख लीजियो नमाज की पाबंदी करो नमाज की पाबंदी करो नमाज की पाबंदी करो आमीन अल्लाह हम सबको तोहफी कता फरमाए आमीन वाखरो